नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। इतिहास में पहली बार ईद के मौके पर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक भगवान बद्री विशाल के धाम में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा नमाज अदा की गई, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम के तीर्थ कपाल पुरोहित और पंडा समाज में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में आस्था पथ नामक संस्था की पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कार्यरत मुस्लिम समुदाय के मजदूरों ने आज बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा की। पर बद्रीनाथ धाम के पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित धाम में ईद की नमाज पढ़े जाने से काफी नाराज हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ा जाना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं को ठेस पहुंचाता है। जोशीमठ से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि बद्रीनाथ में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, बाकियों को भी छोड़िए, मूल निवासी लोगों को मंदिर में न दर्शन करने दिया जा रहा है, न तत्कुंड में स्नान करने दिया जा रहा है। आजकल श्रावणी मासी चल रही है और मंदिर के अंदर भी जो है ढंग से दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक, जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोगों को, ये बाहर के कुछ तबके लोग यहाँ पे, माउंटेन तबके लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं। और बद्रीनाथ के एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के आज सुबह इन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि ये मुसलमान जो ये यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं उनकी परमिशन रद्द की जाए और उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी कहा जाए कि ये बद्रीनाथ धाम में ये गलत काम ना करें। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हम स्थानीय लोग हैं, हमने यही जन्म लिया है, यहीं मरना है, फिर हमको भगवान के दर्शन से क्यों वंचित कर रहे हैं। हमको नहाने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, हमको दर्शन करने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो हम क्या सरकार की क्या मंशा है। ये बड़ा शोभनीय विषय है और ये अभी बड़ा अभी ये पता चला तो हम सारे लोग आके यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम आगे भी हम इस तरीके से कोई भी कार्रवाई होगी तो हम काफ़ी हम इसका विरोध करेंगे और हम सारे हक हकूकदार इसमें आपत्ति दर्ज करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और उस आदमी पर भी कार्रवाई हो जिसने ये मुसलमान लेबर यहाँ लाया और किस तरीके से किसके नाक के नीचे ये लोग यहाँ पहुँचे। हम लोकल लोगों का, हम सबका यहाँ पर आधार कार्ड देखा जा रहा, इनका नहीं देखा गया, फिर ये कैसे यहाँ पहुँचे, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो यहाँ बद्रीनाथ धाम में नमाज नहीं पढ़ा जाए। आज वो बता रहे हैं कि 15 आदमियों ने नमाज पढ़ा, आने वाले समय में वो 150 भी पढ़ सकते, आने वाले समय में 200 भी पढ़ सकते। धीरे धीरे वो हमारी ज़मीन को खरीद करके अपना वो मस्जिद बना देंगे, तो हम किस बात के, ये अच्छी बात नहीं है, ये मुसलमानों का ही वो हो जाएगा ये बद्रीनाथ धाम। और हमको बहुत, हमारा धार्मिक भावनाओं पर बहुत ठेस पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमको बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन नहीं करने देने जा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि परमिशन बनाओ, फिर बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ तो जो वो वहाँ के कर्मचारी है वो इधर उधर घूमने नहीं जा रहे। डेली हम देख रहे हैं शाम सुबह घूमने जा रहे, उनको नहीं है कोविड क्या, हम क्या कोविड वाले हैं, हमको दर्शन क्यों नहीं करने दे रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है, मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये उनकी पूजा नहीं है? अगर वो लोग बाहर से आके यहाँ अपनी पूजा कर सकते, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का? और पहला बात मेरी, दूसरी पॉइंट मेरा ये है कि जब हम लोग पाउंडेशन से निकलते हैं तो हमारा आधार कार्ड चेक होता है सर्वप्रथम, तो तब इसलिए हमको वहीं से आगे भेजा जाता है। और जब ये लोग आ रहे हैं, इनका किस बेस पे इनको आगे भेजा जा रहा है,
हमारा पॉइंट यही है कि जो भी लोग पांडुकेश्वर से आगे आते हैं, कहीं से भी आगे आ रहे, बद्रीनाथ की तरफ आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। अगर वो यहाँ के लोकल है तभी उनको यहाँ आना अलाउड किया जाए, अदरवाइज किसी को, जब बाहर के किसी को आना अलाउड नहीं है, तो कोई भी लोग बाहर से मुसलमान है, कोई भी है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं बिना स्थानीय लोगों के अलावा? यहाँ कोई और कैसे आ सकता है? बस हमारा यही पॉइंट है, हमने प्रशासन के सामने यही बात की है, और बाकी उन्होंने बिल्कुल हमको बोला है कि हम बिल्कुल इस पर कार्यवाही करेंगे। बाकी अब बाकी प्रशासन पे देखते हैं क्या क्या कुछ करते हैं। ये हम हिंदुओं के एक ठेस पहुँचाई है हमारी भावनाओं पर, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो आज एक हो चाहे दो हो, कम से कम 15 लोग थे, और 15 लोग कम नहीं होते हैं। लिहाजा जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, और हमने कहा है कोई भी ठेकेदार, कोई भी अगर लोकल आदमी उनको लेके आया है अपनी परमिशन से, उनकी परमिशन रद्द की जाए, तो उनको यहाँ से बाहर जाए, अन्यथा भविष्य में कोई भी ठेकेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसे मुस्लिम मजदूरों को यहाँ लेके आता है, तो उसको यहाँ बद्रीनाथ के रीति रिवाज को समझाया जाए, सिखाया जाए, उसके बाद उसको यहाँ बद्रीनाथ में काम कराया जाए। हम किसी मजदूर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि जो हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए, हम हिंदू रीति रिवाज के तहत हम काम कर रहे हैं, और आज भी हमें बड़ा दुख है, हम जो काश्तकार लोग हैं, माणा ब्राह्मणी के, बद्रीनाथ के लोग, और हमें पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम अपना परमिशन दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपने ज़मीन की खतौनी दिखाओ, और हम जानते हैं कि हम कितने परेशानी में झेल रहे हैं। और इसी तरह से इन ठेकेदारों को भी बताया जाए कि ये अपने मजदूर लेके आएं, मगर ये पहले भगवान बद्री विशाल की रीति रिवाज को सिखाएं अपने मजदूरों को, उसके बाद वो यहाँ लेके आएं। कोई भी ठेकेदार, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, उसकी अपनी मनमर्जी यहीं यहाँ नहीं चलेगी। हम अभी सोए नहीं हैं, और जिस दिन हम पूरा जागेंगे, तो यहाँ भी हम वो काम करेंगे जो काम कोई कर नहीं सकता है, और हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए। मैं अपने सभी ठेकेदार बंधुओं से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी सीमाओं को लागने की कोशिश न करें। धन्यवाद।